नई टाटा टिगोर ईवी का 12 से 13 लाख रुपए का एक शोरूम प्राइस और इसकी 306 किलोमीटर की एआरएआई रेटेड रेंज देख के ये गाड़ी पेपर पर बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रही है, पर क्या ये वाकई रियल कंडीशंस में भी इतनी प्रॉमिसिंग है? इसी का जवाब आज के इस वीडियो में देंगे। वेलकम टू व्हाट कार इंडिया, योर फ्रेंडली गाइड टू कार्स एंड बाइक्स। मेरा नाम है ध्रुव अत्री एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। टिगोर ईवी पहली झलक में अपने पेट्रोल सिबलिंग जैसी ही दिखती है, अनलेस आप सामने से गौर फरमाएं। ग्रिल की जगह अब एक ग्लॉसी ब्लैक पैनल दिया गया है जिसके बीच में टाटा का लोगो, दोनों एंड्स पर ईवी स्पेसिफिक वाई शेप्ड पैटर्न और एक कोने पर ईवी की बैजिंग मिलती है। इसके नीचे टाटा की ब्लू कलर्ड ह्यूमैनिटी लाइन है जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और ग्रिल को अंडरलाइन करती है। इसके बम्पर में फॉग लैम्प सराउंड भी ब्लू हैं और उसके साइड में एलईडी डे टाइम रनिंग लैम्प्स हैं। साइड में 14 इंच के स्टील व्हील्स हैं जिनमें ब्लू हाइलाइट्स हैं और ये रैप्ड हैं लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर्स में। इसके रियर में नीले बम्पर हाइलाइट्स के साथ जिप्ट्रॉन और ईवी की बैजिंग है। ये ईवी टिगोर पेट्रोल से काफी सिमिलर दिखती है, पर थोड़ी अटेंशन फिर भी आकर्षित कर ही लेती है। वो इसलिए क्योंकि इसकी पावर ट्रेन इलेक्ट्रिक होने के कारण एकदम साइलेंट है, तो लोगों में इसे लेकर क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। हालांकि बूट स्पेस के मामले में टिगोर ईवी पेट्रोल वर्जन से काफी अलग है। वैसे तो टाटा टिगोर का बूट स्पेस 419 लीटर है, इट्स ओनली सेकंड टू होंडा अमेज, बट यहां पर टिगोर ईवी में बूट स्पेस थोड़ा कम हो जाता है। यहां पर आपको 316 लीटर का मिलता है एंड दैट्स बिकॉज यहां पर लोड फ्लोर के नीचे बैटरी ऐसे ऊपर आ रही है, उसके साथ यहां पर ये स्पेयर व्हील ऐसे वर्टिकली माउंटेड है तो ये भी थोड़ी बूट स्पेस ख़त्म कर देता है। लेकिन अगर आप ये स्पेयर व्हील निकाल दें तो ये 376 लीटर्स तक एक्सपैंड हो सकता है। इस बूट की ओपनिंग भी छोटी है और लगेज लोड करते वक्त इस सेंट्रली पोजिशन लैच का भी ध्यान जरूर रखिएगा। इसकी 306 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज का राज है एक नया 26 किलोवाट आर का बैटरी पैक जो IP67 वाटर और डस्ट प्रूफिंग का दावा करता है। इसके साथ साथ टाटा मोटर्स इसके ऊपर 8 साल या फिर 160,000 किलोमीटर की वारंटी भी ऑफर कर रही है। चलिए आपको कैबिन के अंदर लेके चलते हैं और बताते हैं वहाँ क्या नया है। अगर आप टिगोर फेसलिफ्ट के अंदर बैठे हैं तो ये जगह आपको काफी फेमिलियर लगने वाली है। चंद चेंजेस हैं जो बताते हैं कि ये ईवी है ना कि इसका आइस काउंटर पार्ट। क्या क्या है वो? पहला, यहाँ पर ये ब्लू एनोडाइज फिनिश मिलती है एसी वेंट्स के आसपास। यही फिनिश आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के आसपास भी मिलती है। साथ ही सीट्स पर आपको कॉन्ट्रास्ट ब्लू स्टिचिंग मिलती है और इन पर आपको ये ब्लू हाइलाइट्स भी मिलते हैं। इसके साथ साथ यहाँ कारपेट पर आपको टिगोर ईवी की बैजिंग मिल जाती है। कुछ और ईवी स्पेसिफिक चेंजेस है, जैसे यहाँ पर आपको गियर लीवर की जगह ये रोटरी डायल सिलेक्टर मिलता है। यहाँ पर ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो फ्यूल लिड ओपन करने का आपके पास लीवर होता है, यहाँ पर तो कोई फ्यूल फिल करने की ज़रूरत है नहीं, तो वहाँ चार्जिंग पोर्ट खोलने के लिए ये लीवर दिया गया है और इस पर बना हुआ है एक चार्जिंग सॉकेट, ना कि वो फ्यूल पंप का जो साइन बना होता है। ईवी स्पेसिफिक चेंजेस की और बात करें तो इसके 3.5 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको ईवी स्पेसिफिक डेटा मिलता है, बैटरी की परसेंटेज लेवल, इसमें रेंज कितनी है, बाकी यहाँ पे आपको इको लेवल्स यानी कितनी इकोनॉमिकली आप ड्राइव कर रहे हैं और रीजन लेवल्स पता चलते रहते हैं, साथ ही बैटरी का लेवल भी आपको पता चलता रहता है। चलिए रियर सीट पर जाने से पहले एक बार इसकी पूरी फीचर्स लिस्ट पे भी नजर डाल लेते हैं। फिजिकल फीचर्स तो एकदम पहले जैसे ही हैं, जैसे 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, 8 स्पीकर हार्मन ऑडियो सिस्टम। लेकिन अब इसमें 30 से भी ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं जिससे आप दूर से ही अपनी धूप में खड़ी कार प्री कूल कर सकते हैं, क्लोजेस्ट चार्जिंग स्टेशन सर्च कर सकते हैं, इसके साथ साथ कार ट्रैकिंग और वैले मोड जैसी फीचर्स भी यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द रियर सीट। रियर सीट स्पेस भी ठीक ठाक है, कुछ कंप्लेन करने लायक नहीं है। यहाँ पे मेरे लिए ठीक ठाक स्पेस है, मेरी हाइट 5'9" है। ये फ्रंट सीट को भी मैंने अपने हिसाब से सेट किया हुआ है। अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक है, मेरे से लंबे पैसेंजर के लिए खास ना हो, बट इट्स क्वाइट एडिक्वेट फॉर मी। यहाँ पर नी रूम अच्छा खासा है एंड देन हेडरूम की भी कोई कमी नहीं है डिस्पाइट इट्स कूपे लाइक रूफ लाइन।
हालांकि ये बता दूं कि इन सीट्स पर अभी भी ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता है, बट इसकी हाइट ठीक ठाक है तो खास परेशानी नहीं होगी। इसमें आपको ये फोल्डेबल आर्मरेस्ट मिलता है जिसमें दो कप होल्डर्स हैं, काफ़ी टाइट है ये। इसके साथ आपको यहाँ पर स्टोरेज स्पेस मिलती है और इसके आगे एक 12 वोल्ट का सॉकेट है। पूरी गाड़ी में एक ही USB सॉकेट है, दो 12 वोल्ट के सॉकेट हैं। अगर टाटा यहाँ पर USB सॉकेट दे देता तो थोड़ी प्रैक्टिकलिटी और बढ़ जाती। ओवरऑल टिगोर ईवी के कैबिन में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बट पावर ट्रेन में बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं। अब इसमें ज़्यादा पावरफुल 74.7 HP और 170 न्यूटन मीटर टॉर्क देने वाली मोटर लगी है। तो ये चलाने में कैसी है? ओके, ड्राइव स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा, ये ड्राइव सिलेक्टर काफ़ी फंकी कूल दोनों लगता है, लेकिन ये फ्री मूविंग है, मतलब यहाँ पे आप उसको पूरा घुमा सकते हैं, एक एंड पर जाकर ये रुकता नहीं है। ये थोड़ी तकलीफ देता है जब आप 3 पॉइंट यू टर्न्स ले रहे हो या फिर आप पार्किंग में गाड़ी लगा रहे हो। साथ ही इसके रीड आउट्स बहुत खास पता नहीं पड़ते डे लाइट में, तो वहाँ पर भी आपको या तो अंदाज़ा लगाना होता है या फिर आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखकर चलाना पड़ता है। और तो और, जब आप इन टाइट स्पॉट में गाड़ी पार्क कर रहे होंगे या फिर ड्राइव से रिवर्स में जाते हैं और रिवर्स से ड्राइव में जाते हैं तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। ये ड्राइव शुरू करते समय ड्राइवर डिस्प्ले 100% चार्ज पर 239 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा था। ये रेंज प्रीवियस ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से रिफ्लेक्ट होती है। नेक्स्ट टाइम एफिशिएंटली चलाएंगे तो फुल चार्ज पर ये नंबर बढ़ भी सकता है। ड्राइव मोड में जब गाड़ी डालते हैं तो एडिक्वेट फील होती है इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी। सिटी में आप आराम से घूम रहे हैं तो आपको कभी कमी नहीं महसूस होगी और स्टॉप गो ट्रैफिक में भी आपको कोई परेशानी महसूस नहीं होगी, लेकिन जब ओवरटेकिंग का समय आता है तब परफॉर्मेंस थोड़ी फीकी पता पड़ती है। आप नॉर्मल स्पीड 50-60 की स्पीड पर भी ओवरटेक नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसका एक तोड़ है, आप इसे स्पोर्ट मोड में डालिए और परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो जाती है। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइंग नहीं, बट ये ओवरटेकिंग करने के लिए रेगुलर स्पीड्स की कार्स को काफ़ी एडिक्वेट फील होती है। तो ये स्पोर्ट मोड काफ़ी काम का रहता है, इससे आप इसकी 170 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं और ये एडिक्वेट फील होता है ना सिर्फ सिटी में बट हाईवेज पर भी। इनफैक्ट टाटा क्लेम करते हैं कि ये गाड़ी 0 to 60 kph अंडर 6 सेकेंड्स में अचीव कर सकती है, जो अच्छी खासी स्पीड है। बट इसकी बड़ी सिबलिंग यानी नेक्सॉन ईवी जितनी नहीं, जो अंडर 10 सेकंड्स में 100 kph की स्पीड अचीव कर सकती है। हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट में इसने 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में 14.88 सेकंड्स लिए, जो एडिक्वेट है बट स्पेशल नहीं। टिगोर ईवी में रीजेन भी है, जिससे कोस्टिंग और ब्रेकिंग के दौरान जनरेटेड एनर्जी से बैटरी चार्ज होती है। इस रीजन सिस्टम की ब्रेकिंग डी मोड में एस से ज्यादा अग्रेसिव है, तो इसकी भी आदत डालनी होगी। इसका फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील भी काफी अच्छा लगता है, इसमें थंब के लिए कॉन्टोरिंग दी गई है तो होल्ड करने में ये सही लगता है। सिटी लिमिट्स में ये काफी लाइट भी फील होता है, तो वो कट्स और टर्न्स लेने में आपको खास परेशानी नहीं होगी। हाई स्पीड्स पर चलाएंगे तो ये स्टीयरिंग काफी वेल वेटेड लगता है, जिसका मतलब क्रूजिंग करते समय कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। ये खराब रास्ते भी अच्छे से सोक कर लेती है और बैटरी के एडिशन के बाद भी ग्राउंड क्लियरेंस में कोई फर्क नहीं आया है। एक और बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये कि हिल स्टार्ट असिस्ट के बावजूद टिगोर ईवी इंक्लाइन पर लगभग 1 फीट तक रोल बैक होती है, तो चढ़ाई पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग की वजह से ब्रेक्स में थोड़ा स्पंजी फील भी आती है, बट जरूरत के वक्त ये सही काम करते हैं। बस इतना है कि इस तरह की ब्रेकिंग की आदत बनानी पड़ती है। अब तक हमने गाड़ी को लगभग 52-53 किलोमीटर चलाया है सुबह से। हमने स्टार्ट 100% पे ही किया था, बट अब गाड़ी की बैटरी लेवल 64% पर है और इसकी रेंज इस समय 114 किलोमीटर दिखा रहा है, बट वो इसलिए है क्योंकि हमने गाड़ी को लेस देन आइडियल कंडीशंस में चलाया है। हमने इसको थ्रॉटल पेडल के अच्छे खासे इनपुट्स के साथ पुश किया है, स्पोर्ट मोड में चलाया है और गाड़ी आइडल पे एसी के साथ भी पार्क्ड रही है हमारे शूट के लिए, तो इससे इसकी बैटरी लेवल्स पे थोड़ा बुरा असर पड़ा है। अगर आप लाइट फुट के साथ चला रहे हैं तो होपफुली आप 180-190 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। गाड़ी काफी चला ली है, अब जरा चार्जिंग की बात कर लें।
बैटरी पैक की रेंज से भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और वो है गाड़ी का चार्जिंग टाइम। अगर आपके घर में एक 15 एम्पियर का चार्जिंग सॉकेट है तो आपकी टाटा टिगोर ईवी लेगी 8.5 घंटे 0-80% चार्ज होने में। बट अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आपके घर के पास एक फास्ट चार्जर है तो ये आपको 65 मिनट्स में 0-80% चार्ज करके गाड़ी दे सकता है। टाटा मोटर्स के फिलहाल 100 शहरों में 500 प्लस चार्जिंग स्टेशंस हैं विद प्लान्स टू एक्सपैंड फर्दर, तो समय बढ़ते बढ़ते चार्जिंग सपोर्ट और बेहतर ही होने वाला है। नई टाटा टिगोर ईवी पहले से काफी बड़ा अपग्रेड है। सिर्फ रेंज ही नहीं, परफॉर्मेंस में ऐसे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं जिनसे ये स्लो ट्रैफिक ही नहीं फास्ट मूविंग कार्स के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है। इसकी अपडेटेड लुक्स, कनेक्टेड टेक और टाटा का बढ़ता हुआ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इसे और बेहतर पैकेज बना देता है। लेकिन ये अब भी आपकी सेकेंड या थर्ड कार ही हो सकती है, वो भी तब अगर आप मोस्टली शहर में या फिर 90-100 किलोमीटर के डेली कम्यूट्स करते हैं। 12 लाख से 13 लाख रुपए के एक्स शोरूम प्राइस पर ये नेक्सॉन ईवी से 1-3-4 लाख रुपए सस्ती है। बट नेक्सॉन ईवी बेटर रेंज और परफॉर्मेंस के साथ साथ एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी है जो ज्यादातर बायर्स को डिजायरेबल लगेगी। लेकिन अगर आप एक टाइट बजट पर ईवी खरीदना चाहते हैं तो एक नजर टाटा टिगोर ईवी पर तो जरूर बनती है।